दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक, इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत मोहन है और आप ललन टॉप देख रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। कहा कि देशमुख ने सचिन वाजे समेत मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों को हर महीने 100 करोड़ उगाहने का निर्देश दिया था। इस पूरे प्रकरण के बाद से अनिल देशमुख चर्चा में हैं। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उनके बचाव में शरद पवार को आगे आना पड़ा है। पवार ने कहा है कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। कौन है अनिल देशमुख? महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में गृह मंत्री हैं, एनसीपी के नेता हैं, उम्र है करीब 70 साल। देशमुख विदर्भ जिले से ताल्लुक रखते हैं और नागपुर के कटोल इलाके के ही रहने वाले हैं। पूर्व की भाजपा नेतृत्व वाली देवेंद्र फडणवीस सरकार को छोड़ दें तो 95 के बाद से अनिल देशमुख लगातार मंत्री रहे हैं। साल 95 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कटोल विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत गए थे। साल आया 99, 2004, 2009 और 2019, इन सारे सालों में वो चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। हालांकि साल 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। देशमुख ने 70 के दशक से ही राजनीति शुरू कर दी थी। 1992 में वो जिला परिषद का चुनाव जीते थे। इसके बाद साल 1995 में वो निर्दलीय MLA बने थे, जैसा हमने बताया। उस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना और BJP के गठबंधन की सरकार की थी। देशमुख ने गठबंधन सरकार को समर्थन दिया, सरकार ने उन्हें मंत्री बना दिया। तब उन्हें स्कूली शिक्षा और सांस्कृतिक विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में उन्हें गंभीरता से लिया जाने लगा। साल 1999 में शरद पवार ने जब कांग्रेस का दामन छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम का एक धड़ा अलग बना लिया, तब देशमुख भी इस पार्टी का हिस्सा बन गए। उनका ये फैसला सही साबित हुआ उनके। उसी साल हुए चुनावों में वो काटोल से एक बार फिर विधायक बने। इस बार उन्हें मंत्री का पद फिर से मिला। साल 2004 में वो फिर से जीते। इस बार तो उन्हें PWD जैसा बड़ा विभाग मिला था। फिर साल 2009 में भी वो जीत गए। अब 2009 से 2014 के बीच अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के CM रहे थे। इस दौरान देशमुख का मंत्री पद बरकरार रहा। फिर आया साल 2014 का चुनाव, जिसमें अनिल देशमुख 5,557 वोटों से हार गए। लेकिन साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में फिर से जीत गए। इस बार गृहमंत्री बने, महाराष्ट्र के बड़ा पद मिला। फिर मौजूदा विवाद से पहले भी अनिल देशमुख चर्चा में रहे हैं, लेकिन इतना विवादित नहीं रहा है। ज़्यादातर अच्छी वजहें रही हैं। वो तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने महाराष्ट्र में गुटखा खाने पर पाबंदी लगा दी थी। तब भी उनकी चर्चा हुई थी जब उन्होंने महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत को अनिवार्य कर दिया था। मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक भी उनके PWD मंत्री रहते बना था। लेकिन इस बार अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। कहानी मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के पास मिले विस्फोटकों से शुरू होती है। बाद में केस में मनसुख हिरेन की एंट्री होती है, जिनकी कुछ दिनों बाद मौत हो जाती है। मौत हत्या थी या आत्महत्या, इस पर सवाल के घेरे में आए पूर्व क्राइम ब्रांच के अधिकारी सचिन वाजे। उनकी गिरफ्तारी के बाद मामला ज़्यादा गर्माने लगा। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह तक पहुँच गई। खुद पर उठ रहे सवालों के बीच इस्तीफा दे दिया। फिर ट्रांसफर शंटिंग हो गई थी। अब अनिल देशमुख की मुश्किल इसके बाद शुरू हुई। परमबीर सिंह ने अचानक से उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख डाली, कहा कि आपके गृहमंत्री 100 करोड़ मांग रहे हैं। अब अनिल देशमुख इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके बचाव में पार्टी मुखिया शरद यादव खुद उतरे। पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मीडिया से कहा कि देशमुख पद नहीं छोड़ेंगे। और इधर हैं कि परमबीर सिंह सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं कि साहब जाएंगे और अनिल देशमुख के खिलाफ जांच शुरू करवाने की मांग करेंगे। क्या होगा सब बताएंगे आगे, जैसे जो जब होगा। आप ललन टॉप पर बने रहिएगा। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे विभव हैं। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।